गुरुत्वपूर्ण खबर सवधान हक सतर्क हक सागरीय घूर्णी बता दानाई लैसे एतिया अधिक भयंकर रूप निखारे पुरा राज्य ठाये ठाये जिहेतु आरम्भ हुइसे किनकिनिया बरखुण और 120 किलोमीटर बेगत अहा ए विध्वंसी सागरीय घूर्णी बता बा धुमुहा दानाई निखार भागली चलाब पारे सन्त्रास और राज्यतो माज भागत बा माज निखा बज्रपात बा धुमुहा एनेदरे एतिया भयंकर रूप धारण करिब पारे बुली एलर्ट जारी करिसे राज्यतो ए दानार प्रभाव पड़ार सम्भावना आछे बुली एतिया एलर्ट जारी करिसे बतर विज्ञान केन्द्र राज्यर कोन कोन जिल्लात एलर्ट जारी करा हैछे आमी हबिस्तारे खबरतो लै अहार चेष्टा करिम एटा डांगर खबर सागरीय घूर्णी बता दानाई लैसे अधिक भयंकर रूप सवधान हक सतर्क हक निखार भागली दानाई हयतो ध्वंसलीला पातिब पारे निखार पड़ा राज्य ठाये ठाये आरम्भ से किनकिनिया बरखुण राज्य भिन्न प्रांत दानार प्रभाव पड़ पारे क्या 120 किलोमीटर बेगत अहा गतिवेगत अहा यह विध्वंसी धुमुहा निखार भागली चलाब पारे सन्त्रास और माज निखा धुमुहा बज्रपातेरे राज्य तो बतरे लब पारे कालरूप जार बाबे एलर्ट जारी करा परिलक्षित हुइछे और विशेषक उड़ीसा पश्चिम बंग सागरीय घूर्णी बता दानार विशेष प्रभाव पड़ार सम्भावना जार बाबे सागरीय उपकूलीय অঞ্চলত এটা এলার্ট জারি করা হৈছে দানার তাণ্ডাবর আশঙ্কারে এটা বাতিল করা হৈছে 5 কৰো অধিক ৰেল বাতিল করা হৈছে ইতিমধ্যে দানার বাবে 16 ঘণ্টাৰ বাবে বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে বিমান সেৱা এটা জৰুৰী খবৰ এই মুহূৰ্তত অসমৰ 10খনকৈ জিলাত দানাক লৈ জারি করা হৈছে হাই এলার্ট গতিকে কোনকেইখন 10খন জিলাত জারি করা হৈছে এলার্ট আমি জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম গুৱাহাটীকে ধৰি 10খন জিলাত বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ ইয়েলো এলার্ট गति के सवधान हक सतर्क हक जिको मुहूर्त बतरे लब पे कलरूप धुबुरी दक्षिण हालमरा गवालपारा कोकराझारों एलार्ट जारी कर बतर विज्ञान केन्द्रते बक्सा बंगागव बरपेटा कासार हाइलाकान्दी करीमगंज जिला एलार्ट जारी कर बतर विज्ञान केन्द्र तरफर एक डांगर खबर दानार सहित जुजे हस्तम हो इतिम्य एन डि आर एफ और एस डि आर एफ कईबाओ जरूरकालीन विभाग और दानार विपदर प्रति लक्ष्य राखी बहु अंचल स्थानीय बासिंदा इतिम्य आतराय निसे प्रशासने विशेषक सागरीय उपकूलीय अंचल पश्चिम बंग उड़ीसा इत्यादि राज्य और यह दुखनक राज्य विशेष जथेष प्रभाव पड़ पे दानार जार बे एतिया आशंका व्यक्त करा निखार भागले भयावह रूप धारण पे और राज्य तो देखने पा गई राज्य ठाये ठाये कल निशारे आरम्भ से किनकिनिया बरखुण कौरबा बता कौरबा किनकिनिया बरखुण बर्तमान पर्यटन अब्याहत आज गुवाहाटी महानगरीतो बरखुण अब्याहत आज और बतर विज्ञान केन्द्र तरफ क्या विशेषको यह दुखनक राज्य पश्चिम बंग और उड़ीसा निमिषते तांडव सृष्टि पे दानाय सागरीय उपकूलीय अंचल जो सगर सृष्टि हुआ घूर्णी बता दानाय विस्तर क्षति साधन पे एलार्ट जारी कर और दानार तांडवर आशंकार इतिम्य बातिल करा हुई से 5 কৰো অধিক रेल केंबाखनों रेल जातृबाह रेल बातिल करा हुई से लगते 16 घंटार बाबे बंध कर दिया हुई से विमान सेवा विशेषक उड़ीसा देखने पा गई है हस्तम हो कईबाओ जरूरकालीन विभाग एस डि आर एफ एन डि आर एफ बाखिनी इतना हरब हो हस्तम हो देखने पा गई है और लगते गुवाहाटी के धरी 10খনকৈ जिलार बतर विज्ञान केन्द्र येलो एलार्ट जारी कर राज्य तो एनेदरे एतिया ए दानार प्रभाव पड़ार आशंकार सम्भावनारे जारी करा हुई से हाई एलार्ट धुबुरी दक्षिण हालमरा गवालपारा कोकरा जिलार तो एलार्ट जारी करिसे बतर विज्ञान केन्द्र केवल इमान नहय बक्सा बंगागव बरपेटा कासार हाइलाकान्दी करीमगंज जिला हाई एलार्ट जारी करिसे बतर विज्ञान केन्द्र और दानार सहित जुजिबर बाबे इतिम्य सजु एस डि आर एफ और एन डि आर एफ बाखिनी आम इतिम्य उल्लेख कर स्थानीय निकटवर्ती जिस लोक आस बहु अंचल स्थानीय बासिंदा आतराय निसे प्रशासने घर खाली करो निर्देशना जारी करा हुई से क्यों विध्वंसी रूप घंटा 120-150 किलोमीटर गतिवेगत जो धुमुहा तीव्र वेगत अहा धुमुहा निमिषते सको तस नस कर उड़ाई लै जा और निमिषते धूलिस्त हो पारे घर दुआर आसबाब सामग्री जार बे एने एलार्ट जारी कर 120 किलोमीटर गतिवेगत अहा विध्वंसी धुमुहा निशार भागले चलाब पारे सन्त्रास और माज निशा धुमुहा बज्रपातेरे राज्य तो बतरे लब पारे कालरूप जार बे एलार्ट जारी कर बतर विज्ञान केन्द्र राज्य 10খনকৈ জিলাত ৰাজ্যৰ 10খনকৈ জিলাত এনেদৰে হাই এলার্ট জাৰি কৰিছে গতিকে সাৱধান বাণী কোৱা হৈছে সতৰ্ক হৈ থাকিবৰ বাবে সকলোকে কোৱা হৈছে ৰাজ্যত কালি নিখাৰে পৰা আৰম্ভ হৈছে কিনকিনিয়া বৰখন ঠায়ে ঠায়ে বৰখন ঠায়ে ঠায়ে বতা ধুমুহা অহা পৰিলক্ষিত হৈছে গুৱাহাটী মহানগৰীত আজিৰ দিনটোত কিনকিনিয়া বৰখন ঠায়ে ঠায়ে বতা বৰখন অহা পৰিলক্ষিত হৈছে গতিকে সমগ্ৰ সামগ্ৰিকভাৱে সাবলৈ হলে এই দানাৰ প্ৰভাৱ যে পূৰ্ণপতিয়াভাৱে পৰিব অসমটো বা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ ৰাজ্যসমূহটো হেয়া নিশ্চিত হৈ পৰিছে আৰু তাৰ বাবে এনেদৰে আঞ্চলিক বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰ আজিৰ দিনটোত ৰাজ্যৰ 10খনকৈ জিলাত এলাৰ্ট জাৰি কৰিছে
গুৱাহাটী মহানগৰীকে ধৰি ধুবুৰী, দক্ষিণ হালমাৰা, গোৱালপাৰা, কোকৰাঝাৰ লগতে কেইবাখনো জিলাত এনেদৰে জাৰি কৰা হৈছে এলাৰ্ট। আৰু সমান্তৰালভাৱে দুখনকৈ বিশেষ ৰাজ্য, যি দুখন ৰাজ্য হৈছে পশ্চিমবংগ আৰু উৰিষ্যা, এই দুখনকৈ ৰাজ্যত সাগৰীয় ঘূৰ্ণীবতাহ দানাৰ পূৰ্ণ প্ৰভাৱ পৰাৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা। 120-150 কিলোমিটাৰ গতিবেগত অহা এই ধুমুহাই নিমিষতে সকলো তছনছ কৰিব পাৰে, তাৰ বাবে এলাৰ্ট জাৰি কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। আৰু বিভিন্নজনে বিভিন্ন মন্তব্য প্ৰকাশ কৰিছে এই দানাক লৈ, সাগৰীয় ঘূৰ্ণীবতাহ দানা হওক দানাক লৈ, যাৰ পৰা কোৱা হৈছে সতৰ্ক হৈ থাকিবৰ বাবে, সকলোকে কোৱা হৈছে, আহ্বান জনোৱা হৈছে সাৱধান হৈ থাকিবৰ বাবে। আৰু উৰিষ্যা লগতে পশ্চিমবংগৰ যিসকল লোকে এই দানাৰ সৈতে যুঁজিবৰ বাবে সাজু হৈছে, লগতে চৰকাৰ তথা প্ৰশাসন কেনেদৰে সষ্টম হৈছে সাজু হৈছে, সেই সন্দৰ্ভত ৰাজ্যবাসী, সেইসকল স্থানীয় বাসিন্দাৰ বাবে কি আহ্বান জনাইছে জিলা প্ৰশাসনে, ৰাজ্য প্ৰশাসনে, কিছু মন্তব্য আমাৰ হাতত আহি পৰিছে, আমি মন্তব্য আগবঢ়াইছোঁ। সাইক্লোন দানা আজ রাত ওড়িশা মে ল্যান্ডফল কর সকতা হ্যা। সাইক্লোন মুকাবলা কে লিয়ে রাজ্য সরকার সম্পূর্ণ রূপ সে তৈয়ার হ্যা, ইসলিয়ে হামারা হর লেভেল পে তৈয়ারি চল রহা হ্যা, ওর নিয়মিত রূপ সে সমীক্ষা টাইম টু টাইম হো রহা হ্যা। আজ মেনে ওর এক সমীক্ষা কিয়া থা, হামারা লক্ষ্য হ্যা জিরো ক্যাজুয়ালটি, इसलिए जितने सारे लो लाइन एरिया है, जितने सारे वल्नरेबल जगह है, वहाँ से 100% इवैक्यूएशन करने के लिए तुरंत काम किया जा रहा है। हमारा टारगेट था इवैल्यूएशन करने के लिए 362,000 लोगों के इवैक्यूएट करने के लिए, अभी तक लगभग 3 लाख से ज़्यादा लोगों का ऑलरेडी कंप्लीट इवैक्यूएशन हो गया। अभी तक 2,300 से ज़्यादा गर्भवती महिलाओं को भी सुरक्षित स्थान को स्थानांतरित किया गया है। लोगों को सुरक्षित स्थान में रखने के लिए जो हमारा साइक्लोन शेल्टर 7,000 से ज़्यादा वो तैयारी और स्वतंत्र भाव में उनका व्यवस्था किया गया है, उसमें से सबको रखा गया है। इसके लिए अतिरिक्त मेडिकल टीम और वेटनरी टीम का भी डिप्लॉय किया गया है। जिस गांव से लोगों को साइक्लोन सेंटर लिया गया है, उसी गांव में लोगों का भरोसा देने के लिए पुलिस तैनात किया गया है और पेट्रोलिंग भी बार बार वहाँ 24 आवर किया जा रहा है। स्टॉर्म दाना एक सीवियर साइक्लोन स्टॉर्म के रूप में उत्तर पश्चिम बंगाल सागर में आज पूर्वान में केंद्रीभूत है। पारादीप से लगभग 200 किलोमीटर दूरी पे दक्षिण पश्चिम दिशा, दक्षिण पूर्व दिशा में ये जो सीवियर साइक्लोन स्टॉर्म धीरे धीरे उत्तर उत्तर पश्चिम दिशा में गति कर रहा है। जैसे ही हम पहले पूर्वानुमान किए थे ऐसे ही गति कर रहा है, और हमारा जो पूर्वानुमान था लैंडफॉल का वो अभी भी जारी है। आज मध्यरात्र से काल सुबह के टाइम के हम पूर्वानुमान किए हैं लैंडफॉल के, और जब लैंडफॉल होगा पुरी और सागरद्वीप के बीच में भीतरकनिका और धामरा की आसपास, तब इसका विंड स्पीड 100 से 120 किलोमीटर पर आवर होने का संभावना है। ये विंड स्पीड अभी आप देखेंगे तो तटीय इलाके में 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटा रफ्तार में चल रहा है, स्पेशली नॉर्थ ओडिशा और एडजनिंग वेस्ट बंगाल कोस्ट के आसपास, और जहां केंद्रीभूत है साइक्लोन वहां 95 to 105 किलोमीटर पर आवर विंड स्पीड बढ़ रहा है। विंड स्पीड धीरे धीरे बढ़ेगा और आज रात से कल सुबह तक सबसे ज्यादा विंड स्पीड रहने का संभावना है। ये सब जिले हैं जगत सिंहपुर, केंद्रापड़ा, भद्रक, बालासोर और मेदिनीपुर डिस्ट्रिक्ट।
इसके अलावा जो इसके आसपास जिले हैं वहाँ रिलेटिवली कम विंड स्पीड रहेगा, जैसे कि दक्षिण 24 परगना, वेस्ट मेदिनीपुर, कलकत्ता, हावड़ा, हुगली, वहाँ 60 से 80 किलोमीटर प्रति घंटा विंड स्पीड हो सकता है। सिमिलरली पुरी, खुर्दा जो कोस्टल डिस्ट्रिक्ट्स है वहाँ भी 60 से 80 किलोमीटर प्रति घंटा विंड स्पीड होने का संभावना है। द रेनफॉल जो आप देखेंगे, पास्ट 24 आवर्स में लाइट टू मॉडरेट रेनफॉल हुआ है कोस्टल एरियाज में ओडिशा और वेस्ट बंगाल का, जैसे हमारा पूर्वानुमान था। अभी भी रेनफॉल जारी है, धीरे धीरे रेनफॉल का इंटेंसिटी बढ़ेगा, और जैसे हम पहले पूर्वानुमान किए थे यही पूर्वानुमान जारी रखे हैं कि सभी जगह पर बारिश होने के साथ साथ कुछ इलाका में कोस्टल डिस्ट्रिक्ट्स और इसका आसपास जो इंटर डिस्ट्रिक्ट्स है हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल यानी 20 सेंटीमीटर तक रेनफॉल हो सकता है, और कुछ स्थान पर एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल यानी 20 से 30 सेंटीमीटर तक बारिश होने का संभावना है। ये सब जिला है जैसे खुर्दा, पुरी, जगतसिंहपुर, केंद्रापड़ा, भद्रक, बालासोर, मयूरभंज, केउंझर, ढेंकानाल, कटक, और वेस्ट बंगाल के पश्चिम और पूर्व मेदिनीपुर, दक्षिण 24 परगना, कलकत्ता, हावड़ा, हुगली, झारग्राम। ये जो रेनफॉल पहले कोस्टल एरिया में ज्यादा होगा, आज 24 तारीख में धीरे धीरे अंदरूनी इलाके को स्प्रेड होगा, और 25 तारीख को अंदरूनी इलाके का जो डिस्ट्रिक्ट है उसमें ज्यादा होगा, और फिर भी कोस्टल इलाका में भी हैवी टू हैवी रेनफॉल रहेगा। सो इसलिए 24 तारीख और 25 तारीख दो दिन के लिए हम रेड कलर वार्निंग दिए हैं ये सभी डिस्ट्रिक्ट के लिए, वेस्ट बंगाल और ओडिशा की, जहां रेनफॉल के साथ साथ विंड का इम्पैक्ट रहेगा। जो टाइडल वेव है वो लगभग 1 से 2 मीटर हाइट का होने का संभावना है, और सबसे ज्यादा टाइडल वेव केंद्रापड़ा, इसके बाद भद्रक और बालासोर डिस्ट्रिक्ट में होने वाला है।